गुड मॉर्निंग बच्चों, सेकेंड ईयर इंग्लिश मीडियम के बच्चे ध्यान दें। फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चों होता क्या है? जैसे डाई का मतलब होता है दो, पोल का मतलब पोल ध्रुव, जिसमें एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें दो पोल होते हों। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से आप दे सकते हो, ए सिस्टम और एन अरेंजमेंट इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ध्यान दीजिएगा, टू इक्वल मींस मैग्नीट्यूड में तो ये सेम होंगे, सही चार्ज है, जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी। जैसे कि ये 2 माइक्रो कूलाम है तो ये भी 2 माइक्रो कूलाम है, लेकिन यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट ए वेरी क्लोज डिस्टेंस, यानी इन दोनों चार्जों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही पास पास है। तो इसकी डेफिनेशन ये है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस एट ए वेरी क्लोज डिस्टेंस is called dipole, a system or an arrangement in which two equal and opposite charges placed at a very close distance is dipole. ठीक है, तो ये तो definition हो गई। अब जैसे यहाँ पर equal and opposite charges, ये minus क्यों है, ये plus क्यों है, इन दोनों, ये A और B एक dipole है, एक system है, दो चार्जों से मिल करके बना है, minus Q charge और plus Q charge। इन दो, जब डायपोल की बात करेंगे तो माइनस और प्लस क्यों दोनों होगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सपोज कीजिए डी है, ठीक है। और डी जो है, हमने इसको ले लिया है टू एल के इक्वल, ओ इसका मिड पॉइंट है। ये एक्चुअली बच्चों, हम चाहते तो इसको एल भी ले सकते थे, तो मिड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी L बाई टू और इसकी हो जाएगी L बाई टू, लेकिन आगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमको आसानी रहेगी, इसलिए हमने इसको 2L ले लिया है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी L और ये डिस्टेंस हो जाएगी L, तो अपनी सुविधा के लिए हमने इसको 2L मान लिया है, ठीक है। लेने को आप कुछ भी ले सकते हो। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, अ सिस्टम ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस पॉजिटिव एंड निगेटिव सेपरेटेड बाई अ क्लोज डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लोज डिस्टेंस का मतलब बहुत पास पास। फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वी डिफाइन अ न्यू वैक्टर कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक हम इसमें जो है, ये एक नई जो है क्वांटिटी, नई वेक्टर जो है डिफाइन करते हैं, जिसको हम लोग नाम दिए हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, या इसको आप कह सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है और इस पे एरो लगा दिया है इसीलिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है, डाइपोल की स्ट्रेंथ होती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट वेक्टर P इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, कि डाइपोल मोमेंट इक्वल टू किसी भी एक चार्ज की वैल्यू और उस डाइपोल के बीच की डिस्टेंस। ये जो डाइपोल है ए बी, इसके बीच की जो लेंथ होती है इसको बोलते हैं डाइपोल, लेंथ ऑफ डाइपोल, ठीक है। यहाँ पे लेंथ ऑफ डाइपोल हमने जैसे लिया है डी, तो ए बी की लेंथ क्या है, डी, तो डी इज़ द लेंथ ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, पी इक्वल टू क्यू इंटू डी, यानी चार्ज इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल। यहाँ पे हमने डिस्टेंस मानी है 2L, तो ये हो जाएगी पी इक्वल टू क्यू इंटू 2L। अब आगे चल करके डेरिवेशंस में, क्वेश्चंस में हम लोग जो है टू क्यू एल को पी के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गई डाइपोल मोमेंट, उसको ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन इस पर डाइपोल मोमेंट पे आता ज़रूर है। अब देखिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी,
डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू लेंथ, चार्ज की कूलाम और लेंथ की मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम मीटर। ठीक है, सी का मतलब कूलाम, एम का मतलब मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला देखिए, कूलाम का होता है क्यू इक्वल टू आई टी, तो आई करेंट एम्पियर इंटू टाइम ए टी, और लेंथ का हो जाएगा एल, तो इसकी डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एल टी ए। ठीक है, एग्जाम्पल इसके है एच सी एल है, अमोनिया है, पानी है, मीथेन है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब हम लोग इसके एप्लीकेशंस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूज़ करते हुए।